लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने की टीम 11 के साथ बैठक। तो बैठक के बाद सीएम योगी का बयान, भोजन बांटने में संस्थाओं और अन्य लोगों की ले मदद। तो 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात चुनौतीपूर्ण, जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाना सुनिश्चित हो, आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार घर घर तक पहुंचाया जाए, एनएसएस एनसीसी स्काउट युवक मंगल दल में से वॉलंटियर तैयार किए जाएं, इलाज के लिए तैयार करें चिकित्सकों की सूची। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। हरिंद्र, एक बार फिर से टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, जिसमें अलग से लोगों को तैयार करने की बात सीएम योगी के आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी की तरफ से साफ दिशा निर्देश इस बात को लेकर दिए गए हैं कि जो अलग अलग जिलों में स्थानीय स्तर पर जो जो राशन मुहैया कराया जा रहा है, जो भोजन वितरण का की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, उनमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी भी मदद लेने की जरूरत है, इस बात पे खासा जोर है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आज जो मुख्यमंत्री आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी और उसमें इस बात के दिशा निर्देश दिए गए, हम सभी जानते हैं कि रोजाना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समीक्षा पूरे प्रदेश के हालातों को लेकर और खासकर जो दिशा निर्देश यूपी सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं उनके अनुपालन को लेकर, जिलों की स्थिति है इसको लेकर समीक्षा की जाती है। और इसमें एक अहम बात इसमें आज के दिशा निर्देशों में निकल के इस बात को की है कि जिस तरह से हमने देखा था कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तो उसके बाद जो दिल्ली गाजियाबाद में जो मजदूर हैं और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो कामगार थे उनका जो हुजूम देखने को मिला था, इसी को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बात साफ तौर पर अधिकारियों को कही गई है, अगर 15 को लॉकडाउन वापस लिया जाता है और इसको खोला जाता है तो ऐसे हालात दोबारा से पैदा ना हो, ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिले कि जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो अचानक जो है अपने घरों को, अपने जो गंतव्य स्थान है उनके लिए रवाना हो और ऐसे में भीड़ इकट्ठा हो जाए और डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी लगातार हमें जो फॉलो करनी है लॉकडाउन के बाद भी, उसको लेके कोई विषम परिस्थिति पैदा हो, इस बात के दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। शुक्रिया हरिंद्र जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।